हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट एंड दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, इन अवर डे टू डे लाइफ वी डू वर्क एंड विद मच एनर्जी एंड एवरीथिंग हैज पावर। तो ये चीज़ें फिजिक्स की लैंग्वेज में है क्या, हम ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो आप अपने यूनिट का नाम लिखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ योर यूनिट? वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, नाउ सी, सबसे पहले हमने जब सेकंड यूनिट पढ़ी थी उस टाइम पे हमने वेक्टर्स के बारे में वेक्टर एडिशन देखा था एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखा था। अब हम देखेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का। ज्यादा तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे उसमें, तो हम छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं। अब देखो भाई, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप वेक्टर का मल्टीप्लाई दो तरीके से करते हैं। ठीक है, एक को तो आप बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को आप बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक को हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे इन आवर फोर्थ यूनिट। वी विल डिस्कस ओनली अबाउट डॉट प्रोडक्ट। इन आवर नेक्स्ट यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो देखो, अगर हमारे पास कोई भी फोर्स है, ठीक है, हमारे पास ये मान लो कोई फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डॉट एस इस तरह से मैंने लिख दिया और फिर मैंने इसको क्या लिख दिया, एफ कोस थीटा एस। इसको मैं खोलती हूँ तो किस तरह से लिख सकती हूँ, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास वर्क यही होता है, ये समझाने के लिए है, फिर अभी जब हम देखेंगे तब अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। जब भी आप किसी भी चीज का, किसी भी क्वांटिटी का, कोई भी आपके पास एक वेक्टर है, आपने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किए, जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करते हो तो एक कंपोनेंट तो क्या करते हो, अलोंग द थिंग। ठीक है, दूसरे जो भी आपने थिंग ले रखी है उस चीज के, दूसरा जो भी कोऑर्डिनेट है आपके पास वेक्टर है उसके अलोंग, और दूसरा आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर टू इट। ओके, परपेंडिकुलर टू इट। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस कंपोनेंट के साथ जो किसके साथ है, जो इसके बिल्कुल किस तरह से है। एक तो आपने लिख दिया s into f cos theta, दूसरा आपने लिख दिया s into f sin theta। अगर आप इस तरह से लिखते, या आप इसको x मान लो एक को और इसको y, ठीक है, इसको x x y तो नहीं, a और b मानो, ठीक है, a और b, a और b, यहाँ पर a और यहाँ पर b। अब इनको करने के बाद अगर आपको जो नई क्वांटिटी मिल रही है, मान लो C यहां पर मिला और C ही यहां पर मिला, अगर ये जो नई क्वांटिटी है ये आपको क्या मिलती है, एक स्केलर मिलती है, तो आप इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर ये जो नई क्वांटिटी C है ये एक वेक्टर मिलती है आपको, तो आप इस नई क्वांटिटी को, जो ये आपने प्रोडक्ट किया, आप इसको क्या कहेंगे, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो भाई, सीधा सिंपल सा क्या फंडा है, कोई भी आपके पास दो वेक्टर्स है, समझ में तो आ गया कि किस तरह से ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो आप देखो, जब भी हमारे पास, लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, सो वी कैन मल्टीप्लाई देम इन टू वेज। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपके पास, ये कैसा होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ये। इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दैट्स व्हाई वी हैव सेड इट स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर जब भी आप इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। दैट्स व्हाई इसका जो दूसरा अल्टरनेट नाम है उसका क्या नाम है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर आपसे कोई
इसके साथ साथ ही ये भी पूछ ले कि आखिरकार है क्या जो डॉट प्रोडक्ट है, वो क्या है, किस तरह से। तो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, जो दोनों वेक्टर्स हैं उनका जो कंपोनेंट आपने लिया है, एक वेक्टर लिया और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लिया जो उस वेक्टर के साथ में है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में ये बात कहनी है। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, आपने पहला वेक्टर जो है आपके पास उसके साथ जो दूसरा वेक्टर है उसका आपने वो वाला कंपोनेंट लिया जिस जो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यही तो किया था ना हमने। अब जब आप इसको खोल के लिखते हो तो इसको किस तरह से लिखते हो, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये इसको बी और इसको ए, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। नाउ इसको हम खोल कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, और इसको जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, साथ में इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, और एंगल भी कौन सा, स्मॉलर एंगल, ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल है। अब देखो भाई, ए बी साइन थीटा, ये हमने कह दिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, उसको हम दिखा देते हैं एन कैप से, एंड दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल, ओके। इतना यहां तक सफिशियंट है, दोनों की कंपैरिजन करके मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे होता है और क्रॉस ऐसे होता है। अब हम सिर्फ और सिर्फ डॉट के बारे में बात करेंगे, क्रॉस के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्रॉस के बारे में जब हमारे पास नेक्स्ट यूनिट में आएगा हम उस टाइम पे देख लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, यू हैव टू राइट डाउन इट, राइट डाउन ऑल ऑफ दिस इन योर नोटबुक। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आप कौन सा कंपोनेंट लेते हो, द कंपोनेंट दैट इज अलोंग द सेकंड वेक्टर, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट लोगे, वो कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर के अलोंग होगा, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी की भी, जब आपको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करनी थी मल्टीप्लीकेशन में, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते थे वेक्टर की, और वो आपको एक वेक्टर ही देता था, ठीक है, याद होनी चाहिए ये बात। बट जब आप दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या होते हैं, दो टाइप के रूल्स आते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। आप उसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं, ए बी कॉस थीटा, जहां पर ए भी एक वेक्टर है बी भी एक वेक्टर है, बट ए बी कॉस थीटा इज नॉट अ वेक्टर, ठीक है। अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है, यहां से देख लो, अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ए एंड बी, और आपको उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, आपको सभी को पता है ना, इनको हम कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। B को हम कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, बी वाई जे बी जेड के, ठीक है। जब आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स होते हैं, वो रूल्स आप कैसे लिखेंगे, पहले देखिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, नॉट आई डॉट आई क्या होता है, किसके बराबर होता है, आई डॉट आई वन के बराबर होता है। एक मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ कि ये वन के बराबर कैसे होता है, ठीक है। जे डॉट जे ये भी क्या होता है, वन, और के डॉट के ये भी क्या होता है, वन। खोलो भाई इनको, जहां पर आई जे क्या, के क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां से देखो, आई का मैग्नीट्यूड इनटू में आई का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, जब आप आई डॉट आई को खोलोगे तो यही तो बनेगा, बिकॉज जब हम ए डॉट बी आपके पास ये है, जब आप इसको खोलते हो तो ये क्या बनता है, ए बी कॉस थीटा, एंड हेयर दिस ए एंड बी बोथ आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ओके। सो यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा। आई और आई के बीच में क्या क्या होगा, जब एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, जब हमने जो कोऑर्डिनेट लिया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग में ही है, एक लाइन है उसका खुद के साथ में कितना एंगल होता है, जीरो। तो और इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एज दीज आर यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, वन इंटू वन इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू भी वन, कॉस जीरो हो गया ना, इसीलिए कॉस जीरो, ये क्या हो गया आपके पास, वन हो गया, ठीक है। सो हेयर आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के विल बी इक्वल टू वन, तीनों ही किसके बराबर होंगे, वन के बराबर होंगे, लिख लीजिए ये बात, बार बार नहीं बताई जाएगी। अब आपने ये बात पढ़ ली है, आगे तक आपको पूरी लाइफ में बार बार ये कोई
डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई डॉट जे बराबर जीरो, जे डॉट के बराबर जीरो, के डॉट आई बराबर जीरो, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं भाई, जीरो होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आई डॉट आई क्या था, या आप इसको आई डॉट आई लिख लो, चाहे जे डॉट आई, इसको चाहे के डॉट जे, और इसको चाहे आप के डॉट आई लिख सकते हो। वेक्टर्स में जो प्रोडक्ट होता है उसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, बट सिर्फ किस केस में, जब वहां पर वेक्टर प्रोडक्ट हो। जब ये स्केलर प्रोडक्ट है तो आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये किस तरह से होगा, एक बार देख लो, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस 90। कॉस 90 क्यों आएगा, क्योंकि आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, और एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस 90, और जो कॉस 90 होता है वो जीरो के बराबर होता है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो आप देखो भाई, जब आपको मल्टीप्लाई करनी है, ए डॉट बी आपको निकालना है, ये आपके पास दो वेक्टर्स है, इसमें आपको ए डॉट बी निकालना है। निकालिए ए डॉट बी, कंप्लीट की मल्टीप्लीकेशन, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ओके, दिस इज द केस हियर। तो आपको पहले इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट के साथ करनी है, तो ए एक्स बी एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड ही हो गया, इनटू आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई इनटू आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड इनटू आई डॉट के, ओके, देन प्लस, बेटा इसके साथ में ही आगे चल रहा है, 9 कंपोनेंट्स है, इसकी 3 के साथ करेंगे, इसकी 3 के साथ, इसलिए ऐसे लिख रही हूं, ठीक है। ए वाई बी एक्स आई डॉट जे, लेकिन तुम्हारी आदत अभी से क्यों बिगाड़नी है, अगर जे पहले है तो जे को ही पहले लिखो, जे डॉट आई, आप ऑलवेज ही ऑर्डर को लिखकर ही चलो, ठीक है। ए वाई बी वाई, क्योंकि सिर्फ इसी में फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से, क्रॉस वाले में बहुत फर्क पड़ता है ऑर्डर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ए जेड, सॉरी ए वाई बी जेड जे डॉट के, ठीक है। नेक्स्ट ए जेड बी एक्स k डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, ठीक है। अब देखो भाई, हमने जो अभी अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, अभी अभी जो हमारे पास नॉलेज है, हमने अभी अभी सीखा, क्या सीखा, दैट इट विल बी इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा ये 1, ये किसके बराबर हो जाएगा 0, ये किसके बराबर हो जाएगा 0, ये किसके बराबर हो जाएगा 0, ये फिर से किसके बराबर हो जाएगा 1, j dot k किसके बराबर हो जाएगा 0, k dot i 0, k dot j 0, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो 0 वाली टर्म्स को मैं इरेज कर देती हूँ, बिना बात की भीड़ करने लग रही है, ये लो, ठीक है, अच्छी नहीं लग रही थी ना तुम्हें 0 वाली टर्म्स, तो आपके पास कौन कौन सी टर्म्स बच गई। अब कौन कौन सी, आई डॉट आई किसके बराबर होता है 1 के, तो क्या बच गया सिर्फ ए एक्स बी एक्स प्लस जे डॉट जे किसके बराबर होता है 1 के, बच क्या गया ए वाई बी वाई प्लस के डॉट के किसके बराबर होता है 1, बच क्या गया ए जेड बी जेड, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया है, आपका जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ गया, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एफ ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ओके, ये हो गया आपके पास डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो भाई, आपको मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही होगा, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अगर आपको बाकी ये कंप्लीट लिखना भी है तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ये तो आपने लिख दी एक साइड ए डॉट बी, ठीक है, ये आ गया आपके पास। दूसरी साइड में क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू में बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस ऑफ थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना है,
bx square plus by square plus bz square, ठीक है, ये हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, इनके बीच का एंगल आपसे पूछा है, तो आप इससे फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इनटू में b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड या एंगल निकालने से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, आगे से तुम्हें ये सारा कंप्लीट करके देखने की जरूरत ना पड़े। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है भाई, जो कंपोनेंट्स हैं, x का कंपोनेंट x के साथ मल्टीप्लाई, y का कंपोनेंट y के साथ मल्टीप्लाई, z का कंपोनेंट z के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट में, ओके। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि क्या सिर्फ हम बी का ही प्रोजेक्शन ले सकते हैं, ए का प्रोजेक्शन नहीं ले सकते हैं। देखो, अभी अभी मैंने क्या किया, ये वाला जो मेरे पास वेक्टर था, ये एंगल थीटा, ये एंगल बी, ये वाला एंगल ए, ओके सॉरी, ये वेक्टर ए। अब मैंने क्या किया, इसका प्रोजेक्शन डाला इसके ऊपर, और ये जो लेंथ बनी ये किसके बराबर आती है, बी कॉस थीटा के बराबर। ये हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं, और इसको हम बोलते क्या है, ये जो बी कॉस थीटा होता है हम इसको क्या बोलते हैं, ये बात याद रखना। ये कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है, बी कॉस थीटा, व्हाट इज बी कॉस थीटा कॉल्ड, बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सॉरी बी, वेक्टर बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसी तरह अगर ए कॉस थीटा होता तो वो क्या कहलाता, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। अब प्रोजेक्शन डालने का तरीका क्या होता है, आप भूलो ना इसके लिए, अपना तरीका अच्छे से याद कर लो कि जो दूसरे वेक्टर की, जिसका भी आपको प्रोजेक्शन डालना है, उसके हेड से स्टार्ट कर दो और दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। अब मैं ए से डाल के दिखाती हूं, ऐसा ही केस बनाकर। अब मुझे क्या डालना है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन डालना है, ठीक है, इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन डालना है ए का। तो मैंने क्या किया, ए से लिया और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए कॉस थीटा, बी वेक्टर पर ए कॉस थीटा। तो ये जो ए कॉस थीटा है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ये क्या हो गई, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। मैंने देखो ए के हेड से स्टार्ट किया था, ए के हेड से स्टार्ट किया और दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। अब जब आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी को, दूसरा आप कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी को, ए डॉट बी को ए कॉस थीटा इंटू में बी, ठीक है, ये भी तो आप लिख सकते हो ना, ए कॉस थीटा इंटू बी। दोनों ही क्या है, सेम ही थिंग है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में ऑर्डर से फर्क तो नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ऑल दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, एंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो यहाँ पर चाहे आप a cos थीटा, a का प्रोजेक्शन लो b पर, चाहे b का प्रोजेक्शन लो a पर, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, ओके। सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड विद दैट कि एक का ही प्रोजेक्शन दूसरे पर ले सकते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज इट, ओके। अब देखो भाई, जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास क्या है, cos थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। नेगेटिव कब आ सकती है, ए डॉट बी है, अगर इन दोनों के बीच में ये जो दोनों वेक्टर हैं ये क्या है, एंटी पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एंटी पैरेलल होते ही थीटा कितना हो जाएगा, 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, देन इट विल बी -AB। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते, ये केसेस भी लिख लेना आप, ये केस है एंटी पैरेलल का, एंटी पैरेलल का, ये है आपके पास पैरेलल का केस, ठीक है, उस टाइम पे क्या आ जाएगा, ए बी कॉस 0, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। इन केस बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाले केस में क्या आएगा, ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी कॉस 90 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0, बिकॉज कॉस 90 इज 0, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन वर्क, व्हाट इज वर्क, तो वर्क क्या होता है आपके पास,
work is said to be done. Said to be done by a force acting on a body if the body is actually displaced by the force. Displaced by the force. आप वर्क को एक्चुअली कोई बॉडी है उसने वर्क किया है आप ये बात कहेंगी, लेकिन कब कहेंगे? जब एक्चुअली बॉडी डिस्प्लेस हो रही है अपनी पोजीशन से. अगर एक्चुअली बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो आप ये कहेंगे कि वर्क डन किया है बॉडी ने, ठीक है. अदरवाइज नो वर्क इज डन, ठीक है. तो देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी डिस्प्लेस हुई है फिर भी वर्क डन जीरो हो, लेकिन अगर बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई इन दैट केस वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है. तो आप देखो भाई, आपने क्या किया है, मैथमेटिकली आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ठीक है. लेट अस से आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका प्रोजेक्शन डाला आपने इस पर एफ कोस थीटा. तो आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे एफ डॉट एस, ठीक है, एफ कोस थीटा इंटू में एस, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एफ एस कोस थीटा. ये क्या बन जाएगा आपके पास, वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो वर्क डन क्या है हमारे पास, वर्क डन इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है वर्क हमारे पास. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क क्या है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है. वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है. अगर वर्क की डायरेक्शन होती तो देखो, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है, ठीक है, 2 लीटर पेट्रोल डलवाया है और वो उस 2 लीटर से 80 किलोमीटर चलने वाली है. अब अगर वर्क की डायरेक्शन, मतलब वो 80 किलोमीटर वो काम कर रही है अपना, अगर उसकी एक डायरेक्शन होती तो गाड़ी क्या कहती, नहीं ये वाला जो 2 किलोमीटर चलवाया है ना, इसने तो ये कहा था कि उस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में जाती. आप उस गाड़ी को दूसरी डायरेक्शन में लेकर ही नहीं जा सकते थे. दैट मीन्स वर्क हैज नो डायरेक्शन. वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. और जैसे वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो वर्क कैसी क्वांटिटी है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज वर्क, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. कैसे क्वांटिटी है वर्क हमारे पास, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. अब देखो भाई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्क के यूनिट्स की और डायमेंशन की, ठीक है. तो यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है. वर्क को आप लिखते कैसे हैं, एफ एस, एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा लिखते हैं. तो एफ एस कोस थीटा की तो कोई भी यूनिट नहीं होती है, उस तरह से अगर हम देखें तो कोई भी यूनिट कोस थीटा की नहीं होती है, ठीक है. वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, एफ की यूनिट न्यूटन और इसकी मीटर, ठीक है. ये एसआई यूनिट है और वर्क की एसआई यूनिट की क्या है, जूल, ठीक है. तो जूल किसके बराबर हो गया, न्यूटन मीटर के बराबर हो गया, ठीक है. चाहे आप जूल लिखिए चाहे न्यूटन मीटर, बट एसआई यूनिट क्या है आपके पास, वर्क की, आप उसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं. अगर आपसे कोई 1 जूल की डेफिनेशन पूछे, देन व्हाट विल यू से, वर्क इज सेड टू बी, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ a body is displaced by 1 meter by a force of 1 newton acting in the direction of displacement. जब आपने क्या किया है, जो फोर्स लगाया है वो उसी डायरेक्शन में लगाया है
जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर आपने 1 न्यूटन लगाया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई, तो आपने उस टाइम पे क्या कर दिया, 1 जूल काम कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली जो सीजस यूनिट होती है वर्क की, दैट इज अर्ग। ठीक है, व्हाट इज दैट अर्ग। अब अर्ग किसके बराबर होगा भाई, यहां पर भी इन दोनों की क्या ले लो, सीजस यूनिट, तो यहां पर डाइन और यहां पर सेंटीमीटर। वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग। वर्क को आप क्या कहेंगे, 1 अर्ग कहेंगे, 1 अर्ग। इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर, अगर बॉडी क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हो जाए बाय अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, एक डाइन फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई आपके पास बॉडी है, वो बॉडी क्या करे, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाए, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाए, किससे हो जाए और 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस, जब आपने उसके ऊपर 1 डाइन फोर्स लगाया है, जब आपने 1 डाइन फोर्स लगाया है और बॉडी 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गई है, तो आपके पास जो वर्क डन बचा वो कितना बचेगा, जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 अर्ग। ठीक है, अगर आपको 1 जूल और 1 अर्ग के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं 1 जूल इक्वल्स टू 10^7 अर्ग। वो कैसे निकलेगा, देखो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10^5 डाइन। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10^2 सेंटीमीटर। दोनों को बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, 10^7 डाइन सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर हो गया, 10^7 अर्ग के बराबर हो गया है। ठीक है, तो वर्क की यूनिट्स हो गई है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। ठीक है, सो व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क के डायमेंशन क्या होंगे, तो क्या क्या डायमेंशन होंगे वर्क के, ये आपको अब बताना है। ठीक है, तो देखो भाई वर्क के डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगे, ML T - 2। ठीक है, इसके साथ में डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज L, तो वर्क के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ML² T - 2, ML² T - 2। वर्क हैज 1 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। ठीक है, ये आपके पास हो गए किसके डायमेंशन, वर्क के डायमेंशंस। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू राइट डाउन द वर्क इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, देन व्हाट विल कम, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या आएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फोर्स को आप किस में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में फोर्स को आप इस तरह से लिखेंगे, FYJ + FZK। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, SXI + SYJ + SZK। वर्क क्या हो जाएगा, FX × या फिर आप इसको XI लिख लीजिए, XI YJ ZK, FX X into FX + Y into FI + Z into FZ। This is the work done in terms of rectangular components. ठीक है? अब देखो भाई, work can be positive, negative and zero. Work आपके पास positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और zero भी हो सकता है. Work can be positive, negative and zero. ठीक है? Base किस base पर होगा? On the basis in which direction the force is applied, ठीक है? On the basis in which direction the force is applied, and in which direction displacement is, and in which direction displacement is taking place, ठीक है, किस डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है,
इस बेसिस पर वर्क क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। पॉजिटिव वर्क व्हेन एंगल बिटवीन या फिर व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हेन फर्स्ट केस है, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वर्क करे, उस टाइम जो वर्क होगा हमारे पास वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। तो देखो भाई, W किसके बराबर हो जाएगा, F डॉट S के बराबर। ये किसके बराबर होता है, F S cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहां से जो आपके पास थीटा है वो कितना है, यहां पर जीरो है, थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, F S के बराबर। तो यहां पर ये कैसा वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क। एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके पास पॉजिटिव वर्क के, बोलो भाई। ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली, बॉडी फॉलिंग फ्रीली, फ्रीली अगर कोई बॉडी गिर रही है तो उस टाइम पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा बताओ, बोलो। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। फोर्स भी किधर लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ। तो वर्क उस टाइम पे क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव वर्क कहा जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस आता है आपके पास नेगेटिव वर्क। सेकंड है नेगेटिव वर्क। देखो, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, एफ एस कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू होती है -1। नोट डाउन कर लो बेसिक से, अगर अब तक मैथ्स में नहीं पढ़ाया तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -FS। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, एग्जांपल देखो। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, जब एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, देन द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव वर्क। क्यों है नेगेटिव वर्क, क्योंकि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है भाई, ऊपर की तरफ हो रहा है, बॉल ऊपर जा रही है। ठीक है, बट जो फोर्स है ग्रेविटी का वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। देन जो 180 डिग्री एंगल बन गया तो cos 180 हो गया -1, और जो वर्क कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, नेगेटिव वर्क आपके पास कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड केस आता है जीरो वर्क। ठीक है, थर्ड केस आपके पास जीरो वर्क डन। जीरो वर्क, ठीक है, थर्ड। तो ये कब होगा, व्हेन द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, तो इसमें ये हो जाएगा कि जब जो फोर्स है वो क्या कर रहा हो, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा हो टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस बराबर एफ एस कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 होता है जीरो, दैट्स व्हाई इट विल बी जीरो। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, ए पर्सन या फिर कैरिंग अ बॉक्स on his head and moving in horizontal direction, उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। क्यों, तो देखो भाई, जब भी आप कहीं जाते हो तो कूली से अपना सामान उठाते हो, वो आपका सामान सर के ऊपर उठाता है। अब सामान जा कैसे रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, मान लो वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है,
इधर वाले डायरेक्शन में, उसने ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है, डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर, तो उसने कितना काम किया? जीरो काम किया। ठीक है, अब आप ये मत बोल देना उसको, भाई तूने जीरो काम किया तेरे को पैसे नहीं देंगे, तुम्हें वही पीट पीट के मोर बना देगा तुम्हारा। ठीक है, तो देखो भाई आपके पास, हमने एक चीज तो देख ली, उस टाइम पे जो उसने फोर्स लगाया है, जो उसका हेड जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, उसकी जो मसल्स फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से तो उसका क्या हुआ, वर्क डन जीरो हुआ। मतलब बॉक्स ने वर्क डन कितना किया है, जीरो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट जो कूली है वो कहां पर, उसका एक जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो है ना कूली के पास, फ्रिक्शनल फोर्स वो पीछे की तरफ लग रहा है और वो फोर्स कहां लगा रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स कहां पर लगा रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और आगे की तरफ ही कूली डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो जब वो आगे की तरफ ही डिस्प्लेस हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ही है, तो मतलब कूली काम करता है, वो बॉक्स जो है उसका वर्क डन जीरो है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल देते हैं, पर्सन कैरिंग अ बॉक्स ऑन हिज हैंड एंड मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो उस टाइम पे उसका डिस्प्ले, उसका जो वर्क डन हो गया वो जीरो हो गया, बट इन एक्चुअल बॉक्स का वर्क डन जीरो है। ठीक है, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। आपसे जो भी फोर्स पूछा जाए, पहले आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना। ठीक है, हमेशा जब भी कोई भी बॉल है वो मूव कर रही है, ठीक है, जब बॉल मूव कर रही है और वो उसके बॉल के मूव करने पर जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ये आप लोगों को बताना है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो आप अच्छे से बता दोगे, नहीं समझ में आया है तो फिर से बता देना, दो चार एग्जाम्पल्स और बता देंगे। हालांकि ये आपकी फिलहाल का जो है टॉपिक उसमें प्लस वन में बिल्कुल ब्रीफ में ही बताना था। ठीक है, आपकी बार के लिए हटा दिया था ये वाला टॉपिक। ओके, तो रिवाइज करवा दिया है तुम्हारा नाइन्थ का टॉपिक अच्छे से, तो यहां तक कर लेना भाई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके।